ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। बीजेपी ने आज यानी रविवार की देर शाम अपनी पांचवी लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की इस लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले थे। यूपी के लिहाज से देखा जाए तो 13 नामों की घोषणा बीजेपी ने की है। जहां सहारनपुर से लखनपाल सिंह का नाम सामने है, तो वहीं मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से बीजेपी ने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इसके साथ ही गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। वहीं अलीगढ़ से सतीश गौतम का नाम सामने है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि मैदान में है। वहीं बदायूं से संगमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार का नाम सामने है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है। कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच से डॉक्टर अरविंद गोंड का नाम सामने है। इस लिस्ट में दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने कई पुराने चेहरों का टिकट काटा है। बदायूं से संगमित्रा मौर्य का पत्ता बीजेपी ने काट दिया है। हालांकि काफी वक्त से ये कयास थे कि संगमित्रा का टिकट कट सकता है और आखिर में यही हुआ। बीजेपी ने संगमित्रा मौर्य को किनारे करके दुर्विजय सिंह को टिकट दे दिया है। संगमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने बयान और उनकी टिप्पणियां किसी से छिपी नहीं है और माना जा रहा है कि इसी कारण से उनका टिकट काटा गया है। बहरहाल अब संगमित्रा मौर्य का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।